2021 के बारे में, तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा रिगार्डिंग इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका काउंसलिंग कभी से स्टार्ट होगा, इसका रिजल्ट कभी आएगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम कभी होगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है हरियाणा नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको हरियाणा नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, उसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा IASpaper.net हरियाणा BSc नर्सिंग, नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे आपको जस्ट उसके नीचे ही मिलेगा आपको हरियाणा नर्सिंग, उसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप IAS पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको नीचे मिलेगा हरियाणा नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन आउट सून, एप्लीकेशन इसका जल्दी आएगा, डेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा हरियाणा नर्सिंग 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रिलीज सून, उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे आपको फिल कर लेना, आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, जहाँ के भी उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे इंजीनियरिंग BTech MTech मैनेजमेंट BBA MBA डिजिटल लर्निंग MBA BCA MCA कंप्यूटर फैशन डिजाइन आर्किटेक्चर मीडिया फिल्म जर्नल झारखंड ह्यूमैनिटीज लॉ साइंस BSc MSc एनिमेशन मल्टीमीडिया उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, मास्टर PG जो भी है उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको हरियाणा नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा हरियाणा नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन विल बी रिलीज सून, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज होएगा, क्लिक हियर टू एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे जस्ट आपको नीचे मिलेगा हरियाणा नर्सिंग 2021 इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं इसके रिगार्डिंग आपको इवेंट यहाँ पे मिल जाएगा, डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे फर्स्ट राउंड एडमिशन का भी होगा, रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन वेब पोर्टल का भी होगा, मेरिट लिस्ट चॉइस फिलिंग इंस्टीट्यूट कोर्स ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का भी होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट का भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी होगा, एलिजिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, डॉक्यूमेंट लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ फिक्स डिपॉजिट का भी होगा, सेकेंड राउंड एडमिशन का भी होगा, सेकेंड राउंड की सारी चीज़ें कभी होंगी, उसके बाद मॉकअप राउंड का भी होगा, सारी जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगी, डेट वाइज आपको मिल जाएगी, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन रहेगा तो आपको कैसे फिल करना है, आपको अगर ऑनलाइन है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से जाके आपको फिल करना पड़ेगा। आपको अगर आपको ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और डाउनलोड करके आपको फिल करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नेसेसरी एंटर सम नेसेसरी डिटेल, आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, कोर्स रिलेटेड डिटेल, कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल आपको फिल कर लेना, फेदर और भी डिटेल जो भी रहेगा उसे फिल करके आपको एंटर्स आल्सो नीड टू ऑफर द स्कैनर इमेज, आपको स्कैनर इमेज लगा देना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लगा देना है। यहाँ पे आपको साइज फॉर्मेट मेंशन रहेगा ऑफिशियल अथॉराइज्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे चेक कर लेना। आपको एप्लीकेंट आर टोल्ड टू गेट प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म विल द एप्लीकेशन फिल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जेरोक्स आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है उसका। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना एप्लीकेशन फ़ी के आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भर देना है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी विजुअल दिया हुआ, एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल अथराइज के थ्रू आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग, और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी फिल करने के बाद आपको पेमेंट का रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट आपको रख देना है। यहाँ पे फॉर जनरल कैटेगरी के लिए दिया हो 1000 रुपीज़, फॉर BCA और
बीसीबी हरियाणा, पीएच पीपी और ईएस कैटेगरी के लिए 750 दिया हुआ है, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए हरियाणा कैटेगरी के लिए 500 यहाँ पे दिया हुआ है, 500 आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएनएम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, 10+2 आपका 12th का पास रहना चाहिए, पीसीबी इंग्लिश विथ एवरेज 40% आपका रहना चाहिए, मैथमेटिक बायोलॉजी इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी एलिवेशन हेल्थ केयर साइंस वेरिफिकेशन स्ट्रीम आपको रहना चाहिए, पासिंग आउट रहना चाहिए बोर्ड ऑफ अंडर एशियन सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड एसएससी बोर्ड एचएससी बोर्ड रहना चाहिए आपको, यहाँ पर 40% मार्क्स रहना चाहिए आपको। एएनएम के लिए अंडर सीबीएसई बोर्ड रहना चाहिए, बोर्ड फॉर स्कूल रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रहना चाहिए आपको 40%। यहाँ पे एएनएम के लिए आपको सारी चीज़ें दिया, आपका एज 17 ईयर रहना चाहिए 31 दिसंबर तक, आपका मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर रहना चाहिए। आपको आर्ट्स से अगर आप हैं तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी बिजनेस स्टडीज़ आपको रहना चाहिए, होम साइंस सोशल साइंस आपको रहना, फिजिक्स इंग्लिश केयर इंग्लिश इलेक्ट्रिकल साइंस हेल्थ साइंस वैकेंसी स्ट्रीम पासिंग ऑफ नो बोर्ड आपको रहना चाहिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट जो है आपको ऑनलाइन रहेगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करके मेरिट लिस्ट का आपको ऑफिशियल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट अपेयर द थ्रू द ऑथराइज यूनिवर्सिटी थ्रू द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट कंसर्न डाउनलोड द मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग सीजन स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग सीजन, आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग राउंड एप्लीकेशन ओपन द पर्टिकुलर लिंक, आपको पर्टिकुलर लिंक ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा काउंसलिंग राउंड के लिए। द एप्लीकेशन ओपन द चॉइस अलोंग, आपको चॉइस अलोंग ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग रहेगा काउंसलिंग राउंड में। चॉइस फिलिंग होने के बाद व्हेन द काउंसलिंग राउंड डन, जब काउंसलिंग राउंड कंप्लीट हो जाएगा, नीड टू डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे सीट रहेगा एप्लीकेशन। देन नीड टू अलॉटेड कॉलेज, आपको ऐसे कॉलेज पे विजिट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बताया था आपको हरियाणा नर्सिंग के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगा, रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।